हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। और आपको तो पता ही है कि जैसे मेरी ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स मेरा चालू रहता है मेरे चैनल पे, तो आज मैं आपको बता रही हूँ मेरे स्टूडेंट की ब्यूटी की एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आज मंडे है। ओके, आज है मंडे और मंडे से दिन की शुरुआत करते हैं। और चलिए मैं पूरा उनके एग्ज़ाम्स कैसे हो रही है ब्यूटी की वो मैं दिखाऊंगी। और आज है पार्ट वन, उसके बाद जैसे जैसे आगे होता रहेगा वैसे मैं आप सबको दिखाती रहूंगी। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि वो भी ब्यूटी का सब सीख सके। तो आज हम एक मॉडल तैयार करेंगे, उसको हेयर स्टाइल और मेकअप और साड़ी पूरा मेरी स्टूडेंट करेगी। तो चलिए देखते हैं उसको कितने मार्क्स मिलते हैं और कौन सा ग्रेड मिलता है। तो आपको काजल अब बताएगी कि वो कैसे मॉडल को रेडी करती है। और उसने ये सारा मटेरियल लाया हुआ है। ओ बापरे बापरे बापरे, इतना सारा ये तो बहुत मेकअप, बहुत बड़ा मेकअप का सामान खरीदी है रे। इतना सारा है इसने, देखो पूरा बहुत सारा मेकअप का सामान जमा किया है। अब वो लगाएगी तो बताएगी कि क्या क्या लगाती है। और काजल, कॉन्फिडेंस से करना अच्छे से, हाँ, एग्जाम में अच्छा ग्रेड मिलना ही चाहिए। ओके, काजल सबसे पहले मॉडल को साड़ी पहना रही है। तो गाइस, मेरा ये मानना है कि इस तरह से मैं एग्ज़ाम लेती हूँ तो इनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और ये किसी को भी रेडी करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि अगर उनको डायरेक्ट किसी का ऑर्डर मिला और उनको रेडी करना हो तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरह से साइडर्स को या किसी को भी रेडी करने का, तो उनका प्रैक्टिस अच्छे से। मैंने इस तरह से ये साड़ी बनाई है, सिंपल साड़ी। मस्त। मैं मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ, सिंपल मेकअप। ओके, करो, चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले मैंने क्लींजिंग मिल से फेस साफ किया और बर्फ का मसाज दिया। अब मैं प्राइमर यूज करने जा रही हूँ उसके बाद। इनसाइड का प्राइमर यूज कर रही है। स्टार्ट बेटा। अब मैं फाउंडेशन यूज करने जा रही हूँ, न्यूट्रीग्लो का सीसी क्रीम एंड दिस स्पंज। अब काजल ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरा फाउंडेशन को स्मच कर देगी पूरा अच्छे से। उगड़ 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 डोए उगड़। अब ये ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा काजल गीला करके लाना, ताकि वो पूरा फाउंडेशन अच्छे से फेस पे
एब्सॉर्ब हो जाए अच्छे से, पूरा स्प्रेड हो जाए। काजल ने कंसीलर लगाया है पूरा, ताकि बहुत सारे स्पॉट्स थे तो उसको छुपाने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लिया है, तो वो पूरा मर्ज हो जाएगा अंदर। काजल सही है ना? इसकी नाक ना, ये तो कितनी पतली है ना, इसको कंटूर का इधर जरूरत नहीं है, सिर्फ इधर इधर। तो अब काजल कंटूरिंग करेगी। लाइट ले उधर, क्योंकि उसको है ही नहीं। रेडी है उसका शाम पे। इसको मर्ज कर देंगे अच्छे से। बोलो क्या बोला, जल्दी से बोलो। सब क्रीम प्रोडक्ट पहले लगाने का, कोई भी कॉन्टोर हो कोई भी चीज में, पहले पाउडर क्रीम मिक्स नहीं करने का। क्रीम तो ड्राई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं यूज करने का, सब पहले क्रीम प्रोडक्ट सारा यूज कर लेने का रहता है। अभी ये लगा कॉम्पैक्ट लगा रही है काजल, कौन सा कॉम्पैक्ट है वो? कलर डिफाइन कॉम्पैक्ट पाउडर है। आईशैडो यूज कर रही हूँ। वैसे बेटा खूब डार्क हो जाएगा फिर। अब मस्करा यूज करने जा रहे हैं। कौन सी कंपनी का है? काजल स्टिक से अभी काजल लगाया जा रहा है, लैक्मे की काजल स्टिक है। आईलैशेस लगाया? नहीं नहीं लगाया। ओए बाप रे, इतना अच्छा आईलैशेस है उसका। ये मेकअप नहीं करती है। ब्लशर लगा रही है काजल। काजल लगा रही है हाइलाइटर। ग्रीन कलर की साड़ी है तो नीचे से ग्रीन आईलाइनर। काजल ने आईलैशेस लगा लिया है, फॉल्स आईलैशेस। वो देखो इधर, नहीं 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 आईब्रो पेंसिल से आईब्रो को शार्पन करेंगे अभी। अब लिप लाइनर से लिप्स को आउटलाइन करेंगे। क्या लगा रही काजल? गोल्डन आई गोल्डन आईलाइनर लगा ली। मैंने मेकअप फिनिश कर दिया है और अब वो पहनाने जा रही है ऑर्नामेंट्स। अच्छा किए मेकअप लेकिन।
गाइज मैं बिफोर और आफ्टर का फ़ोटो लेना भूल गई, पर जिस तरह से स्टूडेंट है या न्यू स्टूडेंट है सब, और उनका मेकअप दाद देने चाहिए कि अच्छे से किया है। काजल क्या हेयर स्टाइल बना रही है अभी? सिंपल हेयर स्टाइल बना रही है। काजल साइड से सिंपल सा ट्विस्टिंग कर रही है। तो काजल मेकअप फाइनल हो गया। मॉडल को खड़े कर दो, देखो साड़ी कैसी दिख रही है। डोले उगड़ बेटा, डोले उगड़ ना, डोळ्यात केलं। अच्छा मेकअप फिक्सर इतना हाथ संभाल के मारी तो भी। गाइस मेकअप फिक्सर स्प्रे ना खूब संभाल के मारने का, आँख में जाने की संभावना रहती है। उसकी आंखें पहले ही थोड़ा सा काजल पास में खड़ी हो जा अपने मॉडल के। वाह तो बोलो आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू। अच्छे से मस्त साड़ी भी अच्छा स्टाइल में पहनाया है और मेकअप भी अच्छा किया है और ऑर्नामेंट्स भी काजल ही लाई थी, सब कुछ काजल ही लाई थी। थैंक यू काजल, अच्छे से किया है। ओके तो काजल एग्जाम में पास हो गई है।